जो लोग हिंदी शॉर्ट हैंड घर बैठे सीखना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है। हालांकि मैं इसके पहले भी वर्णमाला के बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। पूरा विस्तार से बोर्ड पर पढ़ाते हुए समझाते हुए आउटलाइन है वो। आज मैं इसको सीट में आपको बता रहा हूँ, मैं कॉपी में भी वर्णमाला की क्लास बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो उनको भी देख लीजिएगा जाके, जिससे आपको कॉपी में स्पष्ट हो जाएगा कि कॉपी में आपकी आउटलाइन की लंबाई कितनी बनानी है, ठीक है। बहुत से लोग बोर्ड में समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने आपको कॉपी में भी बताया, आज सीट में भी बता रहा हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, आज ये हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली से वर्णमाला की क्लास है, जिसको आप हम शॉर्ट हैंड की पहली क्लास बोल सकते हैं, अर्थात पहला दिन। जिनको स्टेनोग्राफी में कुछ भी नहीं आता है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो इस सीखने चाहते हैं या सोच रहे हैं तो वो इस क्लास को देखने के बाद समझ सकते हैं कि आप स्टेनोग्राफी आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो मेरा नंबर दिया गया है, आप हमारे साथ जुड़कर स्टेनो सीखना चाहते हैं तो कंप्लीट क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट जीरो से बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आपको समझाते हैं वर्णमाला। देखिए मैंने आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो इसलिए मैंने आप ये सीट बना दी है, इसमें लिखने का समय बर्बाद नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगा। हमने आपको सबसे पहले एक गोले की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये का वर्ग, का वर्ग का मतलब का वर्ग में कौन कौन से रेखा आएंगे, का खा गा घा ये आएंगे। तो का वर्ग बनेगा कहाँ, इनकी आउटलाइन, मतलब आउटलाइन का मतलब होता है का, हिंदी का जो का अक्षर है इसके लिए जो स्टेनो लिखेंगे वो का वर्ग, का की आउटलाइन उसको बोलेंगे, का की आउटलाइन, ठीक है। तो वो का की आउटलाइन कहाँ से आएगी, तो आपको समझने में सुविधा हो एक हम गोले का सहारा लेते हैं, एक गोला बना लिया, इस गोले को बीच से काट देते हैं आड़ी रेखा से। अब ये जो आड़ी रेखा से दो पार्ट में गोला किया गया है, तो ये बीच वाली जो आड़ी रेखा का यूज किया गया है यही आड़ी रेखा का वर्ग बनाएगी, ठीक है। तो का वर्ग से आपको, अब पेंसिल से आपको लिखना है, ठीक है, पेंसिल से। तो का वर्ग के लिए आपको का व्यंजन ऐसे, ये आपकी कॉपी की लाइन होगी। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड के लिए आपको स्टेनो की कॉपी नोटबुक आती है, उसमें स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस करना है। बहुत से लोग रजिस्टर में प्रैक्टिस करते हैं जिससे आउटलाइन की हाइट बिगड़ जाती है, ठीक है, लंबाई उसकी सही आउटलाइन बन नहीं पाती है, इसलिए स्टेनोग्राफी की कॉपी होती है उसी में ही प्रैक्टिस करें। और शुरुआत में 80 प्लस जब तक गति ना हो जाए या 100 प्लस ना हो जाए तब तक पेंसिल का ही यूज करें, स्टेनोग्राफी में तब तक पेन का यूज ना करें, या फिर आपकी 98-99% की एक्यूरेसी आ रही हो, ठीक है। तो इससे होता है कि आपकी आउटलाइन सारी स्पष्ट बन रही है। तो देखिए का वर्ग, अब लाइन के ऊपर, ये आपकी कॉपी की लाइन है मान लीजिए, तो एक रेखा ऐसे ड्रा करोगे, हल्की रेखा, हल्की रेखा मतलब अब ये का की आउटलाइन हो गई। अब आपको पूछा जाए ये क्या बना है, ये बना है का, या मैं आपको बोलूं लिखो का, तो आपको सिंपल लाइन के ऊपर, हल्का सा लाइन के ऊपर, बिल्कुल ऊपर नहीं, बिल्कुल हल्का सा, ताकि लाइन में समान आ जाए, तो ये का हो गया, ठीक है, ये आपको का पढ़ना है। इसी का में अगर आप हल्का सा कट लगा दो तो ये खा पड़ा जाएगा। इसी का को डार्क कर दो, मतलब गाढ़ा कर दो, पेंसिल से डार्क होगा, अब पेंसिल तो डार्क हो नहीं सकता, मैं तो आपको पेन से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो ये वीडियो है ना वो पेंसिल से आउटलाइन दिखती नहीं, वो समझ में नहीं आती, वो चमकने लगती है, ठीक है। अब गा हो गया, अब गा को डार्क करके इसको कट लगा दो तो ये घा हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आएगा, एक आड़ी रेखा से ये चारों अक्षरों के आउटलाइन बन गए, ठीक है। इसी तरीके से अब हम ऊपर से एक रेखा नीचे की तरफ गिराएंगे तो ये आपका पा वर्ग कहलाएगी, ठीक है। तो ऊपर से, अब इसमें एक डायरेक्शन भी हम आपको बता दे रहे हैं, इस दिशा में पेंसिल रखना और इस दिशा में पूरा वर्ग बनेगा, इस तरफ से इस तरफ को, ठीक है। पावर ऊपर से नीचे की दिशा में हम एक डायरेक्शन का चिन्ह भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये पा हल्का बनेगा, पा में कट लगाओगे, पा हल्का है तो फा भी हल्का बनेगा और कट लग जाएगा, तो ये फा हो गया। अब पा को गाढ़ा कर दोगे तो बा बनेगा। आपको पेंसिल गाढ़ी करनी है, ठीक है, दबा देनी है, एक बार में घिसना नहीं है ऐसे 10 बार, ऐसे एक बार में दबा देना तो गाढ़ा हो जाएगा, हल्के हाथों से लिखोगे तो हल्का लिखेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बा को कट लगा दो तो भा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक सीधी रेखा ऊपर से, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, नीचे तरफ गिराएंगे आधार पे, ये टा वर्ग के सभी वर्ण अक्षर इसी से बनेंगे। तो ऊपर से सीधी रेखा आई, ये टा वर्ग बनाएगी, तो मतलब ये टा हो गया, पहला वर्ग, सभी वर्गों का पहला वर्ण अक्षर हल्का बनता है, तो ये टा भी हल्का बना। अब टा में हल्का सा आपने कट लगाया, ठा हो गया, टा को गाढ़ा किया, डा हो गया,
डाको कट लगाया तो ढा हो गया, तो डा गाड़ा है और ढा गाड़ा है, बा गाड़ा है, भा गाड़ा है, गा गाड़ा है, घा गाड़ा है, ठीक है, पा पा बा बा, ठीक है। अब इस दिशा से एक रेखा ऐसे गिराएंगे, ये आपका चा वर्ग कहलाएगी, ठीक है, ये चा वर्ग है। तो कैसे बनेगा, इस दिशा से ऐसे ऊपर से नीचे की दिशा में आएगा चा, ध्यान से समझिएगा, ऊपर से, ये दिशा बहुत जरूरी है। आप सिंगल रेखा अक्षर तो बना लेंगे, लेकिन जब आप शब्द अक्षर बनाएंगे, शब्दों को जोड़ना सीखेंगे, दो वर्णों को जोड़ेंगे, तो अगर आपने वर्ण अक्षर की गलत प्रैक्टिस कर ली है, और कहने का मतलब अगर ऊपर से नीचे बनता है और आपने नीचे से ऊपर बना दिया है, तो आप जोड़ नहीं पाओगे। कारण जब एक व्यंजन खत्म होता है, आप शब्द जब जोड़ोगे तो वहीं से दूसरा व्यंजन चालू होता है, तो पढ़ने में दिक्कत आएगी और बनेगा भी नहीं। तो चा हल्का बनता है, चा में कट लगाया छा बन गया, चा को गाढ़ा करना है तो जा बन गया, अब जा को कट लगाया झा बन गया, तो जा और झा दोनों डार्क बनेंगे, मतलब कि गाढ़े बनेंगे, ठीक है। ता वर्ग, अब इतने में हम आपको एक दूसरे गोलक की सहायता लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक्स के निशान से, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला जो चिन्ह होता है, इससे काट लेंगे, ये वाला हिस्सा ता वर्ग कहलाएगा। देखो अभी तक आपकी जितनी रेखा मैंने बताई है सरल रेखा अक्षर थे, तो सरल रेखा अक्षर के लिए सभी आउटलाइन जो बनती हैं वो एक एक बनती हैं, लेकिन वक्र रेखा अक्षर, मतलब अब देखो इनमें हम वक्राकार रेखा आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें गोलाई होगी, तो गोलाई वाली जितनी आउटलाइन हम आपको बताएंगे वो सभी दो दो बताएंगे, विकल्प इसलिए देंगे एक कि जब कोई शब्द सरल रेखा अक्षर और वक्र रेखा अक्षर के संयोग से बनता है, और अगर वक्र रेखा अक्षर एक ही बताई जाएगी तो बहुत सारे शब्द आप लिख ही नहीं पाओगे, हाथों में रुकावट आ जाएगी, और स्टेनोग्राफी में अगर आपका हाथ किसी आउटलाइन को बनाने में स्लो होता है तो वो शब्द चिन्ह या आउटलाइन पूर्णतया गलत होती है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, आपका अंततोगत्वा जो मूल उद्देश्य होता है अपनी आउटलाइन को सरल करना, अगर इसके लिए आपको कई बार नियमों का उल्लंघन करना पड़े तो भी किया जाता है, ताकि आप सुचारू रूप से धारा प्रवाह स्टेनोग्राफी लिख सकें, ठीक है। तो अब इस चीज को समझें, तो ये आपका ता वर्ग दो रेखाक्षर होंगे, तो एक ता ऐसे बनेगी ऊपर से और एक ता ये बनेगी। अब ये दो ता हो गई, इस डायरेक्शन में बनेंगी, ये डायरेक्शन दोनों बना दिया, ये दो ता हो गई, ठीक है, दो ता बनी है। अब इन दो ता को प्रैक्टिस दोनों करना है, लेकिन जब प्रयोग में आएगी, लिखा तक है, हमने बोला लिखो तक, तो एक ही इनमें से कोई ता बनेगी, अब वो कौन सी बनेगी इसी की तो आपको आगे चल के शब्दों के साथ जब जोड़ा जाएगा तो प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। अब जब दो ता है, हल्की ता है, तो दो था भी बनेगी, इस तरीके से दो दा बनेगी, दा को गाढ़ा कर दो और दाग में कट लगा दो तो धा हो जाता है, ठीक है, और डायरेक्शन सबका यही रहेगा जो पहले वाले में, सभी वर्णनों में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये होता है आपका मा, ठीक है, ये होता है ता वर्ग और ये होता है ता वर्ग, ये ऊपर वाला मा होता है और नीचे वाला हिस्सा ना होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे लाइन पर ऐसे बनाओगे, इस दिशा से इस दिशा में ये मा कहलाएगा, इस दिशा से ऐसे बनाओगे तो ये ना कहलाएगा, मतलब ऐसे इस दिशा में, ठीक है, ये ना, ना के साथ साथ अना भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए मूल रूप से मा और ना ये हैं, अगर इन दोनों को बदल दो, मतलब कट लगा दो, जैसे ना में अगर कट लगाया तो मा पढ़ लिया जाएगा और मा में अगर कट लगाया तो ना पढ़ लिया जाएगा, ये भी विकल्प होता है, कारण क्योंकि ये भी वक्राकाक्षर है तो इनके लिए भी हमें एक विकल्प हमेशा रखना पड़ेगा, अगर ये वाली मा नहीं बन रही है तो ये वाली यूज किया जाएगा और ये वाली ना बन नहीं रही है तो ये वाली ना यूज की जाएगी। पहली प्राथमिकता इन्हीं वाली रेखाक्षर को दी जाती है जो पहले बताई है, ठीक है, और ये सब इतना कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जरा भी लोड डालने की जरूरत नहीं है, ये इतनी बार प्रैक्टिस होगा 3 दिन बाद आपको ये सब रट जाएंगे, बिल्कुल रट जाएंगे, ठीक है, इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है स्टेनोग्राफी। ला व्यंजन, अब एक गोला और बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसको हम प्लस के सिंबल से काटते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से काटा, अब इसमें ये वाला हिस्सा हम ला बनाएंगे, ये वाला हिस्सा हम ऊपर से नीचे की दिशा में रा बनाएंगे, ये देखो नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, और ये वाला हिस्सा दोनों हैं इनको सा बनाएंगे, तीन सा होती हैं उच्चारण के दृष्टि से, ये तीन सा होती हैं, लेकिन मतलब उच्चारण की दृष्टि से तो एक ही समझ में आती है सा, और शुद्ध उच्चारण होता नहीं है, और जब वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे तो तीन सा होती हैं, तो तीनों सा इन्हीं से बनेंगी दोनों रेखाक्षरों से,
लेकिन जब स्टेनो से वापस लिप्यांतरण आप करेंगे, अनुवाद करेंगे हिंदी में, तो वर्तनी के अनुसार आप अपनी हिंदी टाइप करेंगे, ठीक है, जिस शब्द में जिस वर्तनी की जरूरत होती है, ठीक है, जिस सा की आवश्यकता हो। तो ला व्यंजन आपका ये बनेगा नीचे से ऊपर की दिशा में। कई बार क्या होता है, ला व्यंजन ऊपर की दिशा में बनता है तो दो व्यंजन आ गए ला लगातार, तो उस दिशा में एक ला ऊपर को बनता है, फिर उसके बाद एक ला नीचे की दिशा में भी बना सकते हो, लेकिन देखने में हूबहू सेम एक जैसे दिखा नहीं होगा आपको। देखने में देखिए ये नीचे से ऐसे बनेगा ला, ठीक है, तो कई बार क्या होता है दो ला आ जाते हैं, तो जैसे नीचे से ऊपर को बना रहे हो ला व्यंजन, ये बनाया मैंने आपको, तो एक ला नीचे से ऊपर को बन सकता है। अगर ऊपर लाइन के ऊपर बनाने की जगह नहीं है तो आप ऊपर से नीचे की दिशा में भी ला बना सकते हो। जब सिंगल वर्णमाला की प्रैक्टिस करोगे तो आप इसी ला की प्रैक्टिस करना, ये आपको विकल्प दिया जा रहा है। जब आप स्टेनो की डिक्टेशन लिखोगे या शब्द लिखोगे तो उस समय आपका पेंसिल फंसेगी ना के बाद, जैसे फंसती है कि ना के बाद जब ला आता है तो ऊपर को नहीं बनता है, नीचे की दिशा में ला बनता है, ठीक है, तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और प्रैक्टिस में आना चाहिए कि ला को हम ऊपर से नीचे को भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। अब आइए रा पे, तो नीचे को रा बनता है ऐसे। अब ये भी रेखाक्षर है, मतलब वक्राक्षर है, वक्र रेखाक्षर, तो इसके लिए भी दो विकल्प चाहिए, तो एक तो रा ये हो गया। अब एक रा आपको मैं इधर दिखाता हूँ, देखिए ये आपने चा वर्ग बनाया था ऊपर से नीचे, यहाँ आधार से नीचे की दिशा में इसका एंगल लमसम 45 होगा, ये नीचे से ऊपर की दिशा में जब कोई रेखाक्षर जाएगी इस आकृति पे तो इसको रा पढ़ा जाएगा। रा मतलब थोड़ी झुकी हुई ऐसे चलती है ऐसे, ठीक है, ये इस दिशा में, तो नीचे से ऊपर को जब जाएगी तो रा, ऊपर से नीचे ये वक्र वाली रा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्पष्ट रूप से। अब देखिए सा, एक सा ये बनेगी, आपको इधर बताया आपको, देखिए ये सा, एक सा ये, एक सा ये, ठीक है, तो अब आपको एक सा ये आपको बनानी है, ठीक है, देखिए एक सा आपकी ये हो गई ऊपर से नीचे की दिशा में, और एक सा ये हो गई ऊपर से नीचे की दिशा में, ठीक है, दो सा हो गई। आपको इनको प्रैक्टिस ऐसे करना है, सा सा लाइन पर, मान लीजिए आपकी ये लाइन है कॉपी की दो, ठीक है, ये कॉपी की लाइन है, तो आप ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, सा सा शा 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 शा, ठीक है, इस तरीके से बोल बोल के कॉपी में है, हिंदी एक ही बार लिखना है प्रैक्टिस के दौरान। अब देखिए रा बनाया था, रा में अंदर की तरफ घुंडी लगा दो कि या हो जाएगा, ठीक है, ये या हो गया, इसको बाहर की तरफ पलटा दोगे तो वाह हो जाएगा, बनेगा नीचे से ऊपर की हुई, ये दिशा याद रखना, जिस तरफ ये घुंडी लगी हुई है उस दिशा से बनना चालू होगा, ये वाह हो गया, इस या की घुंडी बंद कर दो तो हा बन जाएगा, एक हा नीचे से ऊपर को जाएगा और एक हा ऊपर से नीचे को बनेगा, तो ये 6 और 9 देख लो दिखने में लग रहा है, लेकिन अंतर क्या है, जिस दिशा में घुंडी लगी उसी दिशा से बनना चालू करता है, ठीक है, और 6 और 9 कैसे बनते हैं, दोनों ऊपर से नीचे को बनते हैं, तो यहाँ पे बनाने की दिशा ध्यान देनी है। अब रा व्यंजन जहाँ भी बताया हमने, रा व्यंजन बताया, रा व्यंजन में आप अगर कट लगा देते हो दोनों रा तो ये अड़ा पड़ी जाती है, अड़ा मतलब ये वाला अड़ा कहाँ यूज होता है, जैसे बड़ा सड़ा पड़ा वहाँ पे यूज होता है, वो वाली जो अड़ा होती वो ये होती है, ठीक है। अब हा को काट के हड़ा, हा व्यंजन अभी आपको बताया, ये हा में कट लगा के हड़ा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, हड़ा, ठीक है। अब ना को गाढ़ा, ना व्यंजन बताया आपको, ये बनता है ये ना व्यंजन, ना को गाढ़ा कर दोगे तो अंगा पढ़ा जाता है, ना को गाढ़ा ऐसे करते हैं, पेंसिल आप एक ही बार में डार करोगे, मुझे पेंसिल 3-4 बार रिपीट करना पड़ा, आप एक ही बार में दबा दोगे तो अंगा बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये इतनी यहाँ तक आपकी आउटलाइन हो गई होंगी, कैसे प्रैक्टिस करना होगा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन, इनके लिए आपको कोई रेखाक्षर नहीं याद करना है, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी, इनको कैसे बनाना, जब भी छा आएगा या तो छा छाता से बनाएंगे या फिर का और सा मिलके ऐसे बनाया जाएगा, तो ये आपको आगे हम बताएंगे, इनके लिए कोई अभी नहीं है। ता और रा कैसे बनती है, ता और रा से बनेगी त्रा, गा और या से बनेगी ग्या, सा और रा से बनेगी श्रा, छा बनेगी का और सा से, ठीक है। एक होता है अना, ये किससे होता है, रा भी यूज होता है इसमें और ना भी यूज होता है, जैसे गणना आएगा तो गणना लिखेंगे और गुण आएगा तो गुण लिखेंगे, ठीक है, तो रा और ना इसके लिए दोनों यूज होते हैं, तो इन इतने अक्षरों के लिए आपकी कोई स्टेनोग्राफी में आउटलाइन मतलब स्टेनो इनकी रेखा अक्षर नहीं बनेगी ऋषि प्रणाली में, ठीक है, मैं जो आपको स्टेनोग्राफी पढ़ा रहा हूँ वो ऋषि प्रणाली की है।
ठीक है, ऋषि प्रणाली वर्णमालाक्षर, ठीक है। तो यहां तक आपकी वर्णमाला जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है ये आपकी क्लास हो गई है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको वर्णमाला समझ में आ गई है, आपको लग रहा है कि आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दिया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर हिंदी इंग्लिश के सभी फॉन्ट की टाइपिंग उपलब्ध है, जाके आप चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे बता देता हूँ आप। चलिए देखिए, वर्णमाला को आपने देख लिया और समझ लिया, आपको ज्ञान हो गया भली भांति कि आपको स्टेनोग्राफी में किस रेखा, किस वर्ण अक्षर की आउटलाइन कैसे बनानी है। अब आप आती है बात प्रैक्टिस की, कैसे की जाएगी। तो देखिए, आपके पास स्टेनो की इस तरीके की एक कॉपी होगी, अगर नहीं है तो ले आइए स्टेशनरी की दुकान से, और पेंसिल होती है, पेंसिल अभी समय वर्तमान में मेरे पास उपलब्ध नहीं, मैं तो पेन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की कॉपी में इस तरीके से आपको रेखाक्षर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वर्णमाला कैसे, यह जो आपको क्लास हमने बताई है ये इस तरीके से आपको नोट कर लेनी है। देखो इसकी आउटलाइन की साइज देख लेना, आपको कॉपी में एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको साइज बनानी है, नोट करनी है, ठीक है। इस तरीके की आपको कॉपी में अपने नोट कर लेना समझने के लिए, ठीक है, देख लो ध्यान से, ठीक है। इस तरीके से आप नोट कर लोगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो इसके बाद, ठीक है, ये देखिए जो हमने का वर्ग पूरा नोट किया है, केवल आपको कॉपी में एक बार हिंदी नोट करनी है। क्या हिंदी नोट करनी है? अब प्रत्येक पेज में, कॉपी के एक पेज में आपको ये हिंदी नोट करनी है। नोट कर लिया, इसके सामने का बनाया, इसके सामने आपने खा बनाया, इसके सामने गा बनाया, इसके सामने घा बनाया, ठीक है। अब पूरे पेज में केवल एक बार हिंदी लिखोगे, बाकी पूरे पेज में अभ्यास करोगे इसी को बोल बोल के, मतलब का खा गा घा, का खा गा घा, ऐसे बोल बोल के अभ्यास करोगे, अपनी ध्वनि को अपने कानों से सुनोगे, ठीक है। ऐसे ही पावर नोट कर लोगे पूरा, उसकी हिंदी स्टेनोग्राफी इसके सामने बना लोगे और पूरा एक बार हिंदी लिखोगे, पूरा स्टेनोग्राफी आप नोट करोगे, पा फा बा भा, हल्का है हल्का है, ये गाढ़ा है ये गाढ़ा है, ठीक है। इसी तरीके से अगले पेज में आपको ये वर्ण यूज करना है, टा ठा डा ढा, ठीक है, इसको भी आप पूरे पेज में प्रैक्टिस करोगे, समझ गए। इस तरीके से आपको इन सभी की प्रैक्टिस कर लेनी है, एक एक पेज, सभी एक पेज में ये, 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 ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी, क्यों, और इनमें सबसे ज़्यादा या और वा की, तो या और वा आपको बहुत आसानी से हाथों को साधते हुए बनाना है, या धीरे धीरे बनाना है, दो तीन दिन में सब ये बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। और एक विशेष बात, आप अपनी आउटलाइन की जितनी हाइट लंबाई को छोटा रखेंगे उतनी आपके रेखाक्षर बहुत सरल और सुंदर बनेंगे, सुंदर का मतलब स्पष्ट बनेंगे, दिखाना नहीं है, मतलब स्पष्टता रहेगी आउटलाइन में, और जितनी आउटलाइन आप बड़ी बनाओगे उतनी गलत बनेगी वो। तो ये या हो गया और ये वा हो गया, इसको बहुत धीरे धीरे ऐसे या 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 वा या वा या वा ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसे ही ये हा हो गया, हा हा, हाड़ा हाड़ा। अब देखिए आपको एक और बता देता हूँ, वैसे ये अगले पार्ट, क्लास का पार्ट है, जैसे आगे मैंने जितने कटे हुए वर्ण बताए, जैसे का को कट लगा के खा पढ़ते हो, फा को कट लगा के, पा को कट लगा के फा पढ़ते हो, टा को काट के ठा पढ़ते हो, तो इनमें जो कट लगाना पड़ रहा है, आगे चल के एक नियम आएगा, जैसे शुरुआत में अगर कोई कटा हुआ वर्ण आ रहा है, जब ये हम आपको समझाएंगे, जब शब्दों को जोड़ना सिखाएंगे, तो वहाँ पे ये कट नहीं लगाया जाता है। जैसे आपने खाया तो प्रारंभ में एक हल्का सा टिक निकाल दिया तो ये खा हो गया, ऐसे ही अंत में अगर कटा हुआ वर्ण आ रहा है, तो जैसे माँ के बाद मान लो आ रहा है, तो माँ बनाओगे और का बनाओगे, अब माँ को ऐसे काटोगे नहीं, सिंपल माँ बनाओगे और ऐसे हल्का सा नीचे की दिशा में कट लगा दोगे तो ये खा बन जाता है, ठीक है। इससे पेंसिल उठाने का जो समय होता है वो बच जाता है। इस तरीके का आपको आगे मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो परेशान ना हो। यहां तक आपको समझ में आ गया कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको इन सभी वर्ण रेखा अक्षर की एक डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द को, शब्द रेखा अक्षर को जो बोलूंगा मैं ऑडियो में, आपको
लिखने के लिए, जो मेरे द्वारा जो ध्वनि निकाली जाएगी यही डिक्टेशन होती है, आपको इसको लिखना है, लिख के आपको इसको पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको ये सब पहले प्रैक्टिस कर लेना, ये जो मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस पेज भरने के बाद की ये प्रैक्टिस है, ताकि आपको बहुत आसानी रहे डिक्टेशन से राइटिंग करने में, ताकि वर्णमाला जल्दी याद हो जाए, ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आपका समय बचे, इसलिए मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप डिक्टेशन को बार बार प्ले कर लेना, जिससे आपको स्पष्ट रूप से जल्दी आप डिक्टेशन की प्रैक्टिस करके वर्णमाला पूरी कंप्लीट अच्छे तरीके से याद कर लें। और मैं इसमें मिक्स करके प्रैक्टिस कराऊंगा, आपने याद की होगी सीरियल से, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाए, बीच में सोचना ना पड़े, इसलिए मैं मिक्स करके बोलूंगा। चलिए रेडी स्टार्ट। या वा ता दा हा या रा सा का चा दा ता था ठा बा भा ना अड़ा हड़ा रा सा का पा शा हा रा घा भा झा ढा मा ना ला रा शा ता दा धा। स्टॉप। अब आप इसको पढ़ें, ठीक है। मैंने डिक्टेशन की गति इतनी रखी है जितनी गति आपको लिखना अनिवार्य है, इतनी गति में अगर आप लिखने की हैबिट डाल लेते हैं तो आपको शब्द रचना में, शब्द जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, और ये आपका टारगेट है, लक्ष्य है, इतनी गति में आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, वर्णमाला अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जड़ है ये मेन, ठीक है। और इसको बार बार आप इसको ऑडियो प्ले करके अभ्यास करें, और लिखने के बाद पढ़ें जरूर, पढ़ोगे नहीं तो अपनी लिखी हुई पढ़ नहीं पाओगे। आज से अभी से आदत डालें लिखकर पढ़ने की, और स्टेनोग्राफी में हमेशा ये आदत रहेगी, जो भी डिक्टेशन एक्सरसाइज अभ्यास आप लिखेंगे उसको पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।